जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? आरज़ू और ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख बताया गया है। तंत्र क्रिया में, विद्या में इन 10 महाविद्याओं का बहुत अधिक महत्व है। इन 10 महाविद्याओं की साधना और उपासना विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि में की जाती है। 10 महाविद्याएँ माँ दुर्गा के ही रूप हैं और माँ दुर्गा की उपासना करके हर व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को प्राप्त कर बंधन से भी मुक्त हो सकता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा ये पूजा विधान किए जाते हैं, तो गुप्त नवरात्रि में खासकर तांत्रिक लोग ही गुप्त रूप से पूजा पाठ करते हैं और विशेष रूप से अपनी साधनाओं को चरम सीमा तक ले जाते हैं ताकि उन्हें 10 महाविद्याओं की असीम शक्ति प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी साधना का प्रयोग बताया जा रहा है जो विशेषकर व्यापारी, दुकानदारों और बड़े बड़े बिजनेस करने वालों के लिए होगा। ऐसे लोगों को जिन्हें लाखों रुपए का घाटा हो गया हो, या ये साधना उन्हें भी करनी चाहिए जो जीवन में उन्नति, तरक्की, भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं। इस साधना से हर व्यक्ति के आय में बरकत होती है और आमदनी बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ये साधना विशेष गुप्त नवरात्रि में ही की जाती है। इस साधना में 10 महाविद्याओं में देवी तारा का पूजन किया जाता है, आराधना की जाती है और देवी तारा को ही प्रसन्न करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। साधना का समय रहेगा नवरात्रि के पावन पर्व में 9 दिनों में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये साधना एक ही दिन की है और सुबह करनी है, अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे ये आराधना आपको करनी है। किस तरह से करनी है चलिए बात करते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन का आप चुनाव कर लीजिए। सुबह के समय ये साधना संपन्न करनी है। साधना प्रयोग से पहले आप स्वच्छ जल से स्नान कर, गंगा जल डालकर स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहन लें। संभव हो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों ही माँ देवी तारा का पूजन कर सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र कोई भी आप धारण करें, उस पर गुलाबी रंग का वस्त्र भी अवश्य धारण करें। फिर इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें और ऊन का ही आसन आप उपयोग में लाएं। साधना में विशेष देवी तारा की प्रतिमा और श्री देवी तारा महाविद्या यंत्र की आवश्यकता होगी। तो श्री महाविद्या यंत्र अगर आपके पास है तो वे आप पहले से स्वच्छ करके रख लें। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो श्री महाविद्या यंत्र और 9 कौड़ियाँ ये आप विशेष रूप से पहले ही इंतज़ाम करके रख लीजिए। फिर इसके बाद माँ देवी तारा की प्रतिमा अगर आपके पास नहीं है तो माँ भगवती दुर्गा की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। अब पूजा स्थान में ऊन के आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें और अपने सामने रखे हुए लकड़ी के पाटे पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाकर माँ भगवती की प्रतिमा जहाँ पर आपने स्थापित की है वहीं पर उनके सामने एक थाली रखें। इस थाली में रोली और केसर से श्री तारा लिखें। श्री तारा रोली और केसर को पहले भिगो कर रख दें, फिर उसमें थोड़ी सी रोली डालें और इसका मिक्सचर बनाकर इससे श्री तारा लिखें। अब थाली में ही केसर और रोली से रंगे हुए थोड़े से चावल बिखेर दें। फिर इसके बाद थाली के बीच में जहां आपने श्री तारा लिखा है उनके बीच में, उनके ऊपर चावल की एक ढेरी बना दीजिए। ढेरी बनाने के बाद श्री तारा महाविद्या यंत्र स्थापित करें। यंत्र को पहले से ही पंचामृत से स्नान करवाएं। स्नान करवा कर शुद्ध जल से स्नान करा कर पहुँच कर यंत्र को लाल चावलों की ढेरी पर स्थापित करें। फिर यंत्र पर रोली केसर चंदन का तिलक करें। सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं, गुलाबी रंग के भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। फिर
पीतल का एक देसी घी का दीपक तैयार करें जिसमें बाती दो मुख की और लाल कलावे की होनी चाहिए। इस प्रकार से दीपक तैयार करें, पंचोपचार विधि से पूजन करके धूप दीप आदि दिखाएं। धूप दीप दिखाकर नौ कोढ़ियों को रोली और केसर से रंग लीजिए और इन्हें भी पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना मन में ध्यान करते हुए यंत्र के सामने चढ़ा दें, अर्पित कर दें। फिर इसके बाद मिष्ठान मेवा आदि का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए। जल लेकर उसमें थोड़े अक्षत पुष्प और एक रुपये का सिक्का रखें और अपनी इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए आप यह साधना संपन्न कर रहे हैं उसका उच्चारण करते हुए अपने मन ही मन अपने गोत्र अपने स्थान हर प्रकार से जैसे संकल्प लिया जाता है उसका उच्चारण कर पूर्ण होने की प्रार्थना करें और जल को जमीन पर छोड़ दें। इस प्रकार माँ तारा देवी के स्वरूप का ध्यान करें। हे माँ तारा देवी जो जल में श्वेत कमल पर विराजित हैं, जिनके दाएं हाथ में खड़ग और नीलकमल है, बाएं हाथ में कर्तरी तथा कपाल सुशोभित हो रहा है, जो नीलकमल जैसे आभायुक्त कांति वाली हैं, जो विभिन्न आभूषणों एवं सुंदर नागों से सुशोभित हो रही हैं, जो व्याघ चर्म धारण किए हैं तथा शव के हृदय पर आरूढ़ हैं, ऐसी त्रैलोक्य स्वामिनी भगवती तारा का मैं स्मरण करता हूँ करती हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के बाद स्क्रीन पर दिए हुए इस मंत्र का स्फिटिक की माला से 21 माला का जाप करना है। जाप के समय बीच में उठना नहीं है, लगातार इस मंत्र का 21 माला जाप करें। जाप समाप्ति पर माँ भगवती तारा से अपने समस्त दुखों को हर लेने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि आपका व्यापार आपका व्यवसाय दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, आपको निरंतर सफलताएं मिलती रहें, आप कामयाबी के शिखर पर पहुँचें, लक्ष्मी आपके घर और व्यवसाय में स्थिर हो जाएं, आपको कभी धन दौलत की कमी ना रहे, आपका संपूर्ण जीवन ऐश्वर्यशाली हो ऐश्वर्यमय हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद माँ जगदम्बा की आरती करें। आरती के पश्चात सभी घर परिवारजनों को और स्वयं भी माँ भगवती को लगाए गए भोग का प्रसाद सब में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। पूजा संपन्न होने के लगभग 2 घंटे बाद श्री तारा यंत्र और कोढ़ियाँ अपने पूजा स्थान पर रख दें। पूजा स्थान पर रखने के बाद बाकी सारी सामग्री को एकत्रित करें और एक सफ़ेद वस्त्र में डाल दें। सफ़ेद वस्त्र में डालकर ये सारी सामग्री आप जल प्रवाह कर दें। आपके आसपास कोई नदी तालाब नहीं हो तो आप पीपल वृक्ष के तले भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद जब तक नवरात्रि चल रही है देवी तारा यंत्र और कोढ़ियाँ पूजा स्थान में ही रखें और नित्य प्रति जिस प्रकार से पूजन करते हैं पूजन करें और इस मंत्र का एक माला रोज़ जाप करें। और जब नवरात्रि संपन्न हो जाए आखिरी दिन दुर्गाष्टमी के दिन यंत्र और कोढ़ियों को एक गुलाबी वस्त्र में लपेट कर पोटली बना कर अपने व्यापार स्थान में रखें या घर के धन स्थान में रखें। इस प्रकार से सारी पूजा संपन्न करें। माँ देवी तारा की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी और माँ भगवती का अथाह आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार संपन्न की गई साधना से माँ भगवती तारा अति प्रसन्न होती हैं, अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो अवश्य ही ये साधना करें और अपने व्यापार में वृद्धि लाएं, अपने व्यापार को चलाएं नहीं दौड़ाएं। तो ज़रूर इस साधना को करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि गुप्त नवरात्रि में हमेशा तांत्रिक क्रियाएं ही की जाती हैं, तांत्रिक गुप्त साधनाएं की जाती हैं और विशेषकर 10 महाविद्याओं की साधना अगर आप संपन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए गुप्त नवरात्रि से अच्छा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि आप भी इनका लाभ उठाएं, आपके अपने भी इनका लाभ उठाएं। तो चलिए बहुत ही विशेष जानकारी है ये और बहुत ही शीघ्र असर देने वाली बहुत शीघ्र आपको फल देने वाली ये साधना है। इसे ज़रूर पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूरी आस्था के साथ करें। तो चलिए अभी के लिए देते हैं वाणी को विराम, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
नई जानकारी क्या होगी इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।